बीकानेर क्षेत्र में डेढ़ महीने बाद कृषि मंडियां खुली हैं और इसके बाद किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे, लेकिन सरकार ने कृषि उपज पर 1.5% उपकर के साथ ही 2% किसान कल्याण शुल्क लगा दिया। इससे किसानों को परेशानी के साथ नुकसान भी हो रहा है। इसके विरोध में व्यापारियों ने मंडी बंद कर सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और इसमें राज्य सरकार से इस शुल्क को खत्म करने की मांग की गई और साथ ही किसान और व्यापारियों में विश्वास कायम करने पर जोर दिया गया और यह कहा गया कि यह शुल्क व्यापारियों किसानों के हितों पर कुठाराघात है। व्यापारी पिछले 1.5 महीने से संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना महामारी की वजह से कृषि मंडियां बिल्कुल पीछे बंद थी, अभी आंशिक रूप से शुरू हुई है। तो इसमें क्या है कि अभी न तो किसानों का पूरा माल आ रहा है और न ही पूरे किसान कृषि मंडी के अंदर माल विक्रय के लिए आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा 2% कल अचानक टैक्स लगा करके व्यापारियों और किसानों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है। इससे ये कृषि मंडी का जो पूरा ढांचा है वो तहस नहस हो जाएगा और व्यापारी का अस्तित्व ही पूरा समाप्त हो जाएगा। बाड़मेर के समदड़ी में दिन ब दिन प्रवासी राजस्थानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके होम क्वारंटाइन के